तो आज बिजनेस का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। देखिए, प्लानिंग तक मैंने आपको वीडियो डाल दिए हैं पोर्टल पर, वहां से आप देख सकते हैं बाकी चैप्टर्स के। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग को समझने से पहले आप इतना समझिए, देखिए अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने अभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखा, बिजनेस क्या है, कैसे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, टेलर ऑफ फ्लोज के प्रिंसिपल समझे कि कैसे काम करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बताया। फिर बिजनेस एनवायरमेंट को समझा कि एनवायरमेंट कैसे, क्यों, कैसे होना चाहिए, कंडीशन को समझे हम लोग। इसके बाद आता है प्लानिंग। देखिए, मैनेजमेंट का पहला ही फंक्शन जो प्रोसेस में स्टार्ट होता है प्लानिंग होता है। किसी भी काम को करने से पहले प्लान करना बहुत जरूरी होता है, ठीक। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, फॉर हूम इज टू बी डन, वेयर इज टू बी डन, ठीक। बेसिकली यही क्वेश्चंस जो है एक प्लान को जन्म देते हैं कि कैसे हमें किस चीज को लेकर चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। देखिए, प्लानिंग के बाद जब कहानी खत्म होती है, जहां से प्लानिंग खत्म होता है वहां से शुरू होता है ऑर्गेनाइजिंग। जब हमने प्लान कर लिया तो अब बेसिकली अब देखें कि योजनाएं बना ली, प्लान बना लिया, अब क्या करना है, अब रिसोर्सेस को इकट्ठा करना है, ठीक, ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज वे में रखना है, सारे सामान को जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो चीजें हमें लानी है, वो चीजें रखनी है। अब बेसिकली देखा जाए तो ऑर्गेनाइजिंग में यही है, हमें यही पढ़ना है कि कैसे हम अपने बिजनेस को फिर वापस से रिस्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्म कैसे करें, ठीक। प्लान तो कर लिया अब तक, जो करना था हमने, थिंकिंग प्रोसेस खत्म हुआ, अब एक्शन प्रोसेस शुरू होता है जो ऑर्गेनाइजिंग से शुरू होता है। एक्टिविटी अब शुरू होती है, थिंकिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद अब एक्टिविटी शुरू हो रही है, तो यहाँ ऑर्गेनाइजिंग से शुरू होता है। तो इसमें इस चैप्टर में आप देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले उस पर मैं फटाफट एक बार फोकस करा दूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एंड इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग के, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर ये भी देखेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फॉर्मल होता है एक इनफॉर्मल होता है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, उसका कॉन्सेप्ट, उसका एलिमेंट और उसके इंपॉर्टेंट के बारे में भी जानना है। फिर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इसके भी एग्जांपल देखेंगे और उसको भी समझेंगे कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूं कि सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, तो उसको भी देखेंगे। फिलहाल सबसे पहले तो देखिए इसके ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लान कर लिया, थिंकिंग प्रोसेस हो गया, अब क्या है कि हमें एक्टिंग में आना है, एक्टिविटीज करनी है। तो एक्टिविटीज के लिए जरूरी है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक जगह लाकर, एक मैनर में रखकर, सबको एक साथ जोड़ के काम शुरू करवाया जाए, ठीक। तो डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन भी यही कहती है। देखिए मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, द ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, सभी काम को ग्रुप करना, ग्रुपिंग मिलाना, ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। तो जो भी ग्रुप है, चाहे हमारा एक परचेस है, हमको परचेस करना है, हमको सेलिंग करना है, हमको रिसोर्सेज प्रोडक्शन करना है, अकाउंट मेंटेन करना है, तो डिफरेंट एक्टिविटीज को एक एक्टिविटी में लाना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स असेंबल रिसोर्सेज को असेंबल करें एंड इंटीग्रेटेड बोथ इनटू यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, सबको एक साथ लाकर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। देखिए हर तरह के लोग अलग अलग दिशा में लोग होते हैं, अलग अलग सोच के होते हैं, सबकी सोच को एक साथ लाना, सारे रिसोर्सेज को एक साथ लाना, ठीक, और उनको मैनर वे पर रखकर कैसे काम कराया जाए, यही प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट्स क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट्स, क्यों ऑर्गेनाइजेशन करना है, ऑर्गेनाइजिंग जरूरी है, बिना ऑर्गेनाइजिंग के काम नहीं चलेगा क्या, प्लानिंग करके आप सीधा लोग इकट्ठा करें और काम शुरू कर दें, ऐसा होगा क्या, नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स आती है इसमें, देखते हैं इंपॉर्टेंस से क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए अगर हम ऑर्गेनाइजिंग कर लेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट लेंगे, ठीक है, तो क्लैरिटी वर्क में आ जाएगा, वर्क में क्लैरिटी आ जाएगी कि किसको क्या काम करना है, कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये कहता है कि चीजों को मैनर वे में रखना, नहीं तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉयज जो है अपना टाइम वेस्ट करेगा उस सामान को खोजने में, कि अगर आप मैनर वे में नहीं रहेगा, जिस जगह पर रखना है उस जगह पर नहीं रखकर उसको इधर उधर खोज के हमारा टाइम वेस्ट होगा,
और दूसरा कि जो ऑर्डर के बाद है और भी प्रिंसिपल आपने देखा होगा, उसमें क्लियरली समझा होगा कि कैसे चीजें अगर ऑर्गेनाइज नहीं हो तो उसका क्या इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ सकता है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजिंग कर लेना तो क्लैरिटी वर्क आ जाएगी, वर्क में क्लैरिटी आ जाएगी, किससे ऑर्डर लेना है, ठीक, किसको फॉलो करना है, ठीक, वो सारी चीजें इसमें समझ में आ जाएगी। इक्विटी भी इसमें क्लियर कट बताती है कि अगर हम ऑर्गेनाइजिंग कर लें तो हमारे वर्क में अच्छी खासी क्लैरिटी आ जाएगी कि राम को जो ऑर्डर मिला है राम फॉलो करेगा, शाम को जो ऑर्डर मिला है शाम फॉलो करेगा, परचेसिंग डिपार्टमेंट को जो ऑर्डर मिला है वो परचेसिंग डिपार्टमेंट उस हिसाब से काम करेगा, सेलिंग डिपार्टमेंट को जो ऑर्डर मिला है वो उस हिसाब से काम करेगा। तो सबकी वर्क में क्लैरिटी आ जाएगी, हम डिपार्टमेंटेशन कर देंगे। जैसे आप बड़े बड़े स्टोर्स में गए होंगे, बिग बाजार में गए होंगे, या फिर आप फाइनली इसमें गए होंगे, क्या नाम है, विशाल मेगामार्ट में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां हर चीजें डिपार्टमेंट के हिसाब से रहती है। कि अगर कपड़ों का सेक्शन है, ठीक, तो उसमें बच्चों के कपड़े, फिर मेल जेंट्स के कपड़े, फिर फीमेल्स के, है ना, लेडीज के कपड़ों का एक सेक्शन होता है। फिर जब आप कॉस्मेटिक्स में गए होंगे, ग्रोसरीज में गए होंगे, तो उसमें कॉस्मेटिक का अलग हो गया, ग्रोसरीज का अलग हो गया, यूटेंसिल्स का अलग हो गया, ठीक, और उसमें कॉन्फ्रेंसेस का अलग हो गया। तो सबको एक पर्टिकुलर हिस्से में बांटा गया। सोचिए अगर ये डिपार्टमेंटल स्टोर जो हमारे बिग बाजार है चाहे विशाल मेगामार्ट है, अगर ये कपड़ों लेडीज कपड़े, उसके बाद बिस्किट रख देगा और फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान रख देगा और फिर उसके बाद जाके नमकीन का एक ऑर्गेनाइज कर दिया, तो सोचिए कि इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। कंज्यूमर जो है ना पूरा दिन भर घूमता रहेगा सामान लेने के लिए, और क्या होगा कि स्टोर में खाली भीड़ होगी और काम कुछ नहीं होगा, सेलिंग कुछ नहीं होगी, क्योंकि कंज्यूमर पहुंचता ही रह जाएगा हर चीज से। तो बेसिकली क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइज कर देने से चीजों में क्लैरिटी आ जाती है, वर्क में क्लैरिटी आ जाती है कि किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक। दूसरी चीज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन इससे हो जाता है अगर हम चीजों को ऑर्गेनाइज मेथड में, ऑर्गेनाइज वे में रख दें, ठीक। तो और ये भी चीज होता है कि रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है कि भैया आप अगर सर्विस चीजों को सही स्तर पर नहीं रखोगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट यही ना पड़ेगा कि जो वर्कर है वो टाइम वेस्ट करेगा, इधर उधर खोजेगा सामान को। तो ऑर्गेनाइज कर देने से ना क्लैरिटी आ जाती है वर्क में, वर्क में क्लैरिटी तो आई, प्लस रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है ना वो भी सही तरीके से होगा, यानी मिनिमम इनपुट डाल के मैक्सिमम आउटपुट निकालने का काम शुरू हो जाएगा क्लैरिटी लेके। तो फिर अडेप्टेशन टू चेंज, अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज में कोई काम हो रहा है तो चेंज को भी जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे हम लोग। जैसे किसी पर्टिकुलर काम को छोड़कर दूसरे काम को अडॉप्ट करना है तो टीम हमारी जो जिस चीज के लिए प्रेफर है वो दूसरे काम को अडॉप्ट करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकती है। मान लीजिए कि हमने पहले ये कहा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मुंबई में लॉन्च कर रहे हैं, ठीक, तो हमने उसकी तैयारी करके रखी हुई है, हमारी टीम उसके लिए तैयार है कि मुंबई में अगर लॉन्च होगा तो कैसे लॉन्च होगा। तभी एक ऑर्डर आता है कि हमको दिल्ली में भी लॉन्च करना है, ठीक। अब जो पहले से हमने टीम तैयार करके रखी थी उससे क्या होगा, वो टीम जो होगी ना वो दूसरे वर्क के लिए भी रेडी रहेगी, चेंज को जल्दी अडेप्ट करेगी। मान लीजिए कि अगर हमने अनऑर्गेनाइज वे में चीजों को रख लिया कि राम को बोला भाई जाओ तुम वहां सामान दिखा देना, ठीक, और वहां के लोगों को डील कर देना, तो डील तो कर देगा। अगर मैं उसको बोलूं भैया आपको दिल्ली में भी जाना है वहां, या केरल में जाना है वहां की भाषा चेंज है, या वहां पर आपको चेंज करना है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऑर्गेनाइज वे में काम करने से चेंज को अडॉप्ट करने में और ज्यादा इजी होता है और जल्दी अडॉप्ट भी कर लेते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में एक क्लेरिफाई आता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल होता है वो ऑर्गेनाइज वे में काम करे तो सबको पता रहता है कि किसको क्या काम करना है, ठीक। जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल होता है वो भी जान पाता है कि मैंने किसको क्या काम किया दिया था, किसको अथॉरिटी डेलीगेट की थी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। इससे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल सुधर जाता है ऑर्गेनाइज करने से। अगर चीजें ऑर्गेनाइज ही नहीं रहेंगी तो पता नहीं किसको मैंने काम दिया था, किसको नहीं, बस मैंने बोल दिया कि ये काम कर लीजिए, ठीक। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ओपी का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ओपी में क्या होता है ना कि हर बार चीजों को किसी के भरोसे छोड़ दिया जाता है, मतलब कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, बस किसी के भरोसे छोड़ दिया कि ये काम जाओ कर लो, ऑर्गेनाइज कोई नहीं है, और फिर जब काम बिगड़ता है तो एडमिनिस्ट्रेशन फिर बहाने खोजता है, अकाउंटेबिलिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डालने की कोशिश करता है।
तो जब चीजें ऑर्गेनाइज रहेंगी, ऑर्गेनाइज वे में चलेंगी, तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा करने में, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, देखिए ऑर्गेनाइज कर देने से स्पेशलाइजेशन पता रहती है कि कौन व्यक्ति क्या काम करता है, इससे उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी फर्क पड़ता है, ठीक है। चीजें उसको करने को दी गई ऑर्गेनाइज में तो उसको जल्दी चीजें समझ में भी आती है, चीजों को जल्दी अडॉप्ट भी करता है और उसके अकॉर्डिंग वो काम भी करता है, ठीक। नहीं तो फिर वो कंफ्यूज रहेगा कि अगर उसको यही नहीं पता है कि सेलिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है और परचेसिंग डिपार्टमेंट कहाँ है, तो वो चीजें सही से कर नहीं पाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि हम बिजनेस में ऑर्गेनाइज करके चीजों को चलें। चौथी चीज है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब यहां से तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि एक चीज अब बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन को लेके चले तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपने ओबी इंस्टीट्यूशन में देखा होगा कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के चांसेस नहीं बढ़ रहे क्योंकि चीजें यहां ऑर्गेनाइज नहीं है हमारे इस इंस्टीट्यूट में, ठीक। तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के चांसेस यहां पर कम हो जाते हैं। तो आपका जो मैंने एग्जाम्पल बताया था ना, उस पर देख के सोचोगे तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें ऑर्गेनाइज करके चलना क्यों जरूरी होता है, ठीक है। फिर आते हैं इसके स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए ये इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन करना होता है या ऑर्गेनाइज करना होता है चीजों को तो हम कैसे करते हैं, उसके स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक। चीजों को आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीजें क्या है कैसे होनी है, ठीक, और उसको डिवाइड कर देना है डिपार्टमेंट से, ठीक है। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क किसको क्या काम करना है, उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर, उसकी क्वालिटी के आधार पर वर्क को डिवाइड करूंगा मैं, ठीक। छोटे छोटे स्मॉल टास्क में डिवीजन ऑफ वर्क ही होता है, बड़े काम को छोटे छोटे टास्क में बांट दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा और उस वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड करूंगा, ठीक। दूसरा डिपार्टमेंट्स में बांटूंगा मैं उसको। जैसे मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट में बांट देने से चीजें और भी इजी हो जाती है समझने में और काम करने में, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग काम होता है। और फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जो डिपार्टमेंट हमने बांटा है उसमें ड्यूटी को असाइन करना है और उसके अकॉर्डिंग अगर हमें अथॉरिटी देनी पड़ी, डेलीगेशन करना पड़ा अथॉरिटी का, तो उसके हिसाब से ड्यूटीज देके अथॉरिटी को भी डेलीगेट करेंगे, ठीक। और फिर स्टेबलिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब चौथा काम क्या रहेगा कि जो काम हमने ड्यूटीज बांटी है, जो अथॉरिटीज दी है, डेलीगेशन किया है अथॉरिटी का, तो अब उसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी तय करनी होगी, चीजें चेक करनी होगी, रिपोर्ट लेना होगा कि जो हमने ऑर्गेनाइजेशन किया है, ऑर्गेनाइजिंग किया है, वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। अगर वो सही से वर्क नहीं कर रहा है तो फिर ऑर्गेनाइज फिर से नए तरीके से करने की जरूरत है, बार बार चेक करना पड़ता है कि हाँ हमने कहीं ना कहीं कोई गलत किया होगा जिसकी वजह से सही रिपोर्टिंग और सही रिलेशन नहीं बैठ रहा है। तो दोबारा से हम स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करेंगे, चीजों को आइडेंटिफाई करो, छोटे टास्क में बांटो, डिपार्टमेंट बांटो, डिपार्टमेंट के हिसाब से काम को डिवाइड कर दो, ड्यूटीज असाइन करो, उस ड्यूटी के साथ साथ अथॉरिटी का डेलीगेशन भी होगा तो वह अथॉरिटी का डेलीगेट करना, और फिर फाइनल रिपोर्ट लेना कि जो काम हमने जो डिपार्टमेंट किया हुआ है, जो ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप को फॉलो किया है या जो डिपार्टमेंटाइजेशन किया हुआ है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सही से वर्क कर रहा है तो इसी प्रोसेस को लेकर हम आगे चलेंगे, और अगर नहीं है तो फिर से रिस्ट्रक्चर करेंगे इसको, फिर से रिक्रिएट करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप बुक से पढ़ के देख लीजिएगा, अगर कंफ्यूजन हो तो फिर आप मेरे को एक बार मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें दो स्तर पर स्ट्रक्चर को बांटेंगे, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर पर काम करने के आधार पर और एक डिविजनल स्ट्रक्चर पर यानी डिपार्टमेंट के हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ये और ये जो दो टॉपिक है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। That's all.